Hello everyone, my name is Aditya Paliwal and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क. ये टॉपिक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो काफी वेटेज कवर करता है. अप्रोक्सीमेटली 10% इस पे क्वेश्चन आते हैं. तो इस टॉपिक पे अपन सबसे पहले बेसिक समझेंगे किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बेसिक अपन सोल्व करते हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स करेंगे. वो शॉर्ट ट्रिक भी अपन साथ ही साथ में करेंगे, यानी क्वेश्चन अपन दोनों तरीके से सोल्व करेंगे. लेकिन पहले अपन समझेंगे बेसिक किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क में बेसिकली तीन चीज होती है, अमाउंट ऑफ वर्क, नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन टू कवर द वर्क. तो इनको अपन डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क को, यानी कि कितना वर्क करता है, लेट अस अज्यूम अपन को डब्ल्यू वर्क करना है. नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं काम करने के लिए, लेट अस अज्यूम वो अपन को दिया हुआ है एन नंबर ऑफ पर्सन है. एंड टाइम टेकन टू कवर द वर्क, यानी कि काम करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हो गया अपने पास टी. तो यहां से तीन रिलेशन अपन सबसे पहले दिमाग में बिठाएंगे. वो तीनों रिलेशन है, फर्स्ट वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पर्सन के, यानी अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क जो अपन कर रहे हैं वह भी ज्यादा होगा. इसी तरीके से वर्क और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, कि अगर अपन ज्यादा देर तक काम करें, मान लो अपन टी टाइम में एन यूनिट्स काम करते हैं तो टू टी टाइम में अपन टू एन काम करेंगे, यानी अगर ज्यादा टाइम दिया हुआ है तो वर्क कितना होगा ज्यादा. इसी तरीके से जो थर्ड रिलेशन आता है वो होता है पर्सन और टाइम के बीच का, यानी पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो अपन को कोई भी काम करने में टाइम कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है तो कोई भी काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा. तो अपन ने देखा तीनों रिलेशन, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पर्सन के. अगर अपने को दिया हुआ है कि कॉन्स्टेंट टाइम तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो ज्यादा वर्क करेंगे. सेकेंड रिलेशन, अगर अपने को दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन कॉन्स्टेंट है तो ज्यादा नंबर ऑफ डेज काम करेंगे तो ज्यादा वर्क कंप्लीट करेंगे. इसी तरीके से थर्ड रिलेशन है अपने पास, अगर वर्क कॉन्स्टेंट है तो नंबर ऑफ पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टाइम, यानी अगर कम नंबर ऑफ पर्सन है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन है तो कम टाइम लगेगा. नेक्स्ट चीज जो अपने पास आती है वो है एफिशियंसी ऑफ ए पर्सन. एफिशियंसी क्या होता है, एफिशियंसी होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्सन इन ए यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क इन अ यूनिट टाइम. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक पर्सन है ए, वो 150 पेजेस प्रिंट करता है 10 आवर्स में, अगर अपन को बोलता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी होता है अमाउंट ऑफ वर्क इन यूनिट टाइम. तो टोटल वर्क हो गया अपने पास 150 और टाइम हो गया पास अपने पास 10 आवर्स, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 15 पेजेस पर आवर. तो यहां पर अपन ने देखा एफिशिएंसी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम. अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक पर्सन 150 पेजेस प्रिंट कर रहा है 10 आवर्स में, तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी यहां पर 15 पेजेस पर आवर. एफिशिएंसी और वर्क का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, और इसका इनवर्स रिलेशन होता है अपने पास टाइम से. अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो उसको काम करने में कम टाइम लगेगा. इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर मैं बोलता हूं ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए की एफिशिएंसी बी से डबल दे रखी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा अपने पास 1:2. अगर ए की ट्वाइस दे रखी है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी की हो जाएगी 1. तो इस केस में जो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी ए को कम टाइम लगेगा और बी को ज्यादा टाइम लगेगा. एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है. इस एग्जांपल से देखा, अगर अपन ने ए ट्वाइस एफिशिएंट दिया है तो ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी की 1 हो गई, टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा 1:2. अगर अपन को भी दिया होता ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इनवर्स 1:3.
नेक्स्ट अपन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे और अपन को किस तरीके से उनको अप्रोच करना है। अगर अपने को दिया हुआ है कि ये पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन डेज, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी एन डेज में काम कर रहा है। इसी तरीके से बी है, अपन नेम दे देते इसको ए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, बी कैन डू इट इन एम डेज। सेम वर्क है, उसको ए करता है एन डेज में, बी करता है एम डेज में। अपन को बोला है कि अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो पता लगाना है कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे उनको वो वर्क कंप्लीट करने में। अब इस क्वेश्चन में अगर अपन इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे m प्लस n, तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो n से भी ज्यादा लगेंगे, वो m से भी ज्यादा लगेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को कम टाइम लगेगा काम करने में। तो उस केस में अपन किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अपन सबसे पहले निकालते हैं इनका वन डे वर्क कितना है। वन डे वर्क निकालने के लिए अपन हमेशा अज्यूम करते हैं लेट द टोटल वर्क बी वन यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन हमेशा अज्यूम करते हैं कि टोटल यूनिट जो वर्क करना है वो अपन को करना है वन यूनिट। तो ए वन डे वर्क, ए का वन डे का वर्क क्या हो जाएगा, अगर वो एन डेज में वन यूनिट काम कर रहा है तो वन डे में कितना कर लेगा, वन बाई एन यूनिट। तो ए का वन डे वर्क हो गया अपने पास वन बाई एन। इसी तरीके से बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, बी का वन डे हो जाएगा अपने पास एम डेज में वन यूनिट करता है तो वन डे में कितना कर लेगा वो, वन बाय एम यूनिट। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास वन बाय एम यूनिट। अब अपने को निकालना है ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो उनका वन डे वर्क क्या होता है, अपन इन दोनों के वन डे वर्क को ऐड कर देंगे। अगर ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, वन बाय एन प्लस वन बाय एन, दैट विल बी एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एम एन। ये क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी का वन डे वर्क। अब अपने को पता लग गया ए प्लस बी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो टोटल वन यूनिट काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो अपन लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी विल बी टोटल वर्क कितना अपने पास वन यूनिट, और वो वन डे में कितना काम कर रहे हैं यानी एक दिन का होता काम, उनका काम कितना है एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एम एन। तो ये आ जाएगा अपने पास एम एन ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो एम एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन डेज। तो देखा अपन ने किस तरीके से नंबर ऑफ डेज अपन ने निकाला। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में अगर दिया हुआ ए एन डेज में काम कर रहा है, बी एम डेज में काम कर रहा है, अपने टोटल एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क जो करना है वो उनको वन यूनिट करना है। तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, यानी ए को अगर एन डेज में वन यूनिट वर्क करना है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वन बाई एन यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से बी को अगर एम डेज में वन यूनिट काम करना है तो वन डे में कितना कर देगा, वन बाई एम यूनिट। अब यहां पर अपन ने देखा ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इन दोनों का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस वन डे वर्क ऑफ बी, वो वन बाई एम प्लस वन बाई एम किया तो आ गया अपने पास एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम एन। ये क्या आ गया, ए प्लस बी का वन डे का वर्क। अगर मैं बोलता हूं ए प्लस बी वन डे में इतना काम कर रहे हैं तो उनको वन यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, वन डिवाइडेड बाय वन डे वर्क कर दिया तो अपने पास आ गया टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन डेज। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने को दिया है कि ए किसी काम को थ्री डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को सिक्स डेज में कंप्लीट करता है और बोला है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अभी अपन ने जो मेथड देखा था उससे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए का वन डे का वर्क, तो ए वन डे वर्क वो हो जाएगा अपने पास, अगर टोटल वर्क वन यूनिट है तो ए का क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री। इसी तरीके से बी का क्या हो जाएगा, वन डे वर्क वन बाय सिक्स। अपने को बोला ए प्लस बी साथ में काम कर रहे तो उनका वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री।
plus 1 by 6, that will be 6, 2 plus 1, 3 by 6, yani 1 by 2. अगर a plus b एक दिन में 1 by 2 work करते हैं, तो उनको total time कितना लगेगा complete करने में, number of days? Number of days, अपन ने देखा था, 1 day work का उल्टा था, यानी 1 divided by 1 by 2, तो हो जाएगा, 1 divided by 1 by 2, that will be 2. Number of days कितने लगेंगे यहाँ पर, a और b को, अगर वो a 3 day में कर रहा है, b 6 day में कर रहा है, तो a plus b हो जाएगा, 2. इसी तरीके से अपन एक और example देते हैं, अगर a 4 day में कर रहा है, b 12 day में कर रहा है, तो direct अपन क्या करेंगे, a का 1 day work, यानी 1 by 4, plus b का 1 day work, यानी 1 by 12, इनको ऐड किया एलसीएम आ गया अपने पास 12 4 3 से 12 12 1 से 12 4 by 12 यानी 1/3 1/3 क्या आ गया उनका 1 डे वर्क तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज वो हो जाएगा अपने पास 1/3 का उल्टा यानी 3 डेज एक और एग्जांपल अगर अपन बोलते हैं ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है बी कर रहा है 20 और सी कर रहा है 30 ए किसी काम को 10 डेज में करता है बी 20 डेज में करता है सी 30 डेज में करता है और अपन को पता लगाना है ए बी और सी साथ में काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे अगेन सेम मेथड ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/10 बी का हो जाएगा 1/20 सी का हो जाएगा 1/30 तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60 ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 ये आ गया 6 7 8 9 10 11 यानी 11/60 11/60 क्या हो गया a plus b plus c का 1 day work अब ये 1 day work आ गया अपने पास अपन को number of days निकालना है तो क्या करेंगे इसका reverse यानी number of days क्या हो जाएगा 60/11 days ये reverse अपन क्यों करते हैं क्योंकि अपन ने total जो यहाँ पर work लिया है वो 1 unit लिया है तो 1 divided by 11/60 हो जाएगा तो reverse हो जाएगा वो 60/11 तो इन examples में अपन ने देखा किस तरीके से अपन को total number of days निकालने अगर ये साथ में मिलकर काम करते हैं तो यहां पर अपन ने कुछ एग्जांपल देखे थे उनको अपन ने बेसिक मेथड से सॉल्व करके देखा था मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब अपन ये तीनों एग्जांपल दूसरे मेथड से सॉल्व करके समझते हैं यहां पर अपन ने अभी तक जिस बेसिक मेथड को यूज किया था उसमें अपन मानकर चल रहे थे टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमेशा 1 माना था अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है उसमें अपन टोटल वर्क मान रहे थे 1 यूनिट लेकिन इस मेथड में अपन टोटल वर्क जो है वो मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज जो दिया हुआ है उनका एलसीएम एलसीएम लेंगे अपन नंबर ऑफ डेज का सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस है दोनों मेथड में आइए अपन एग्जांपल्स से सीखते हैं सबसे पहले अपन लेते हैं ए अगर किसी काम को 3 डे में करता है बी उस काम को 6 डे में करता है मैं यहां पर इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूं यहां पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड यहां पर सबसे पहले अपन को किसका दिया हुआ है ए को कितना लगता है 3 डेज बी को कितना लगता है 6 डेज इस जगह अपन लिखेंगे टोटल वर्क कितने यूनिट करना है अब पहले वाले मेथड में अपन टोटल वर्क ले रहे थे 1 यूनिट इसमें अपन को लेना है एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज यहां एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 6 का 6 6 यूनिट हो गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ वर्क अब अगर ए 6 यूनिट वर्क 3 डेज में करता है तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उसका 6 डिवाइडेड बाय 3 तो वो हो जाएगा अपने पास 2 ए का यहां पर मैं एक बार डिस्क्राइब करके बता देता हूं ए का 1 डे वर्क कैसा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है 6 नंबर ऑफ डेज कितना है 3 वहां पर क्या ले रहे थे अपन यूनिट वर्क तो वो हो जाता था 1/3 यहां पर अपन टोटल वर्क ले रहे हैं 6 तो हो जाएगा 6/3 यानी 2 यहां पर अपन इसकी एफिशिएंसी लिखेंगे ये वर्क पर डे जो होता है यही एफिशिएंसी होती है 2 इसी तरीके से बी की क्या हो जाएगी 6 यूनिट वर्क कर रहा है 6 डे में तो क्या हो जाएगी 1 अब पर अगर अपन को क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो अपन ए प्लस बी की एफिशिएंसी ले लेंगे वो क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 यानी 3 अगर ए प्लस बी 1 डे में 3 यूनिट वर्क करते हैं तो टोटल उनको करना है 6 यूनिट और एक दिन में 3 कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क तो 6/3 यानी 2 देखा अपन ने डिफरेंट दूसरा मेथड और सेम आंसर आया नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन अगर अपन को दिया हुआ है
ए किसी काम को 4 डेज में करता है, यहां पर अपन को क्या लिखना था, नंबर ऑफ डेज। बी उसी काम को 12 डेज में करता है, अब यहां पर अपन को लिखना है टोटल वर्क। वर्क कितना हो जाएगा 12 और 4 का एलसीएम यानी 12। अगर ए 4 डेज में 12 कर रहा है तो 1 डे में कितना कर देगा, मतलब यहां पर उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। बी 12 डेज में 12 कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा 1। अब ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 3 + 1, यानी ए प्लस बी 1 दिन में कितना करेंगे 3 + 1, यानी 4 यूनिट वो 1 दिन में कर रहे हैं। अगर उनको 12 यूनिट वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा, 12/4, दैट विल बी 3। देखा अपन ने किस तरीके से फास्ट अपन क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर अपने को ए बी और सी 3 नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं। ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, सी उसी काम को 30 डेज में कर रहा है। यहां पर अपन टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्क कितना ले रहे थे, इनका एलसीएम, तो 30, 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ए अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहा है यानी 60 यूनिट 10 डेज में कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर लेगा 6 यूनिट। बी अगर 60 यूनिट कर रहा है 20 डेज में तो 1 दिन में कितनी कर लेगा 60/20 यानी 3 यूनिट्स। और सी अगर 60 यूनिट्स कर रहा है 30 डेज में तो 1 दिन में कितना कर लेगा 2 यूनिट्स। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 6 + 3 + 2 यानी 11। अगर वो 11 यूनिट वर्क 1 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क उनको करना है 60 यूनिट, उसमें कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा टोटल वर्क यानी 60/1 डे वर्क यानी 11। तो 60/11 डेज में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये डिफरेंट अपन ने मेथड देखा पहले वाले से अलग, और ये भी देखा कि इससे कितने फास्ट क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू इट इन 8 डेज एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज, इफ दी वर्क टूगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दी कंप्लीट द वर्क। तो अपन इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में अपन क्या कर रहे थे, टोटल यूनिट ले रहे थे 1, तो ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/4, 1 डे वर्क। मैं 1 डे वर्क को OTW से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4, बी का 1 डे क्या हो जाएगा 1/8 और सी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/12। अगर ए बी और सी साथ में काम कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे थे, इनका एलसीएम ले रहे थे यानी 1/4 + 1/8 + 1/12। यहां पर एलसीएम आ जाएगा अपने पास 24, 4 6 24, 8 3 24, 12 2 24, ये आ जाएगा 11/24। 11/24 क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा अपने पास, इसका रिवर्स यानी 24/11। ये था अपने पास बेसिक मेथड। अब अपन दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अपन को दिया हुआ है ए कितने दिन में काम कर रहा है 4, बी कितने दिन में कर रहा है 8 और सी कितने दिन में कर रहा है 12। तो अपन इनका एलसीएम लेके क्या लिख देंगे, वो आ गया 24। ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 6, बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 24/8 यानी 8 3 24, सी का क्या हो जाएगा 24/12 यानी 2। यानी ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 11 यूनिट। टोटल यूनिट वर्क अपने पास 24। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क वो हो गया 24/1 डे वर्क यानी 11। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा अपने पास 24/11 डेज। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मेथड काफी फास्ट है। इसमें अपन फ्रैक्शंस में काफी बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मेथड यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 27 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू इट। अब इस क्वेश्चन में अपन को ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगता है 18 डेज, ये दिया हुआ है। ए अगर अकेला काम कर रहा है तो उसको 27 डेज लगते हैं, तो बी अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहां पर अपने को ए प्लस बी का 1 डे वर्क दिया हुआ है 1/18, ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/27, तो बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क माइनस ए का 1 डे वर्क। तो ये अपने पास b का 1 डे वर्क आ जाएगा, a का a plus b का 1 डे वर्क है 1/18 माइनस a का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/27। इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 54, 18 आ जाए 18, 18 2 जाए 36, 18 3 जाए 54, तो यहां हो जाएगा 3, 27 2 जाए 54, तो हो जाएगा 2। ये आ जाएगा अपने पास 1/54, यानी b का 1 डे वर्क अगर 54 आ गया तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क वो हो जाएगा इसका रिवर्स यानी 54 डेज। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से सोल्व करके देखते हैं। यहां पर अपने को टोटल यूनिट वर्क निकालना है। ए प्लस बी का जो है वो दिया हुआ है अपने को नंबर ऑफ डेज 18, ए का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 27, तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे 18 और 27 का, वो हो जाएगा 54। अब ए प्लस बी अगर 18 डेज में 54 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो वन डे में कितना करेंगे 3 यूनिट्स। इसी तरीके से ए अकेला अगर 54 वर्क कर रहा है 27 डेज में तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट्स। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहे हैं, ए अकेला 2 यूनिट्स कर रहा है तो बी अकेला कितना करेगा 3-2 यानी 1 यूनिट बी एक दिन में करेगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा टोटल वर्क यानी 54 यूनिट यानी एक दिन का वर्क यानी 1 यानी 54 डेज लगेंगे बी को वो काम कंप्लीट करने में। आंसर दोनों से सेम आएगा अपने पास 54 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज, सी एंड ए कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज। ए बी एंड सी फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अब यहां पर अपन को ए और बी के साथ में काम करने में कितने दिन लगते हैं वो दिए हुए हैं, बी और सी साथ में काम करते हैं वो दिया हुआ है 12, सी और ए साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है 16। अब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं देखते हैं। बेसिक से अगर अपन अटेम्प्ट करेंगे तो ए एंड बी का वन डे वर्क हो गया अपने पास 1/4, बी एंड सी का वन डे वर्क हो गया अपने पास 1/12 और सी एंड ए का वन डे वर्क हो गया अपने पास 1/16। अब अगर अपन इनको ऐड कर देते हैं सबको तीनों को तो आ जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन को ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/16, ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास 48। तो ये हो जाएगा 12 4 से 48 प्लस 16 3 से 48, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 4 4 7 16 और 3 19/48। अब 19/48 क्या है, 2a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क, लेकिन अपन को अगर a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क निकालना है तो अपन क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 19/48 इंटू 2, ये हो जाएगा अपने पास 19/96। ये क्या है a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे इसका रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 96/19 डेज। तो देखा अपन ने a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी अगर साथ में काम करते हैं तो उनको 96/90 डेज लगेंगे ये पूरा वर्क कंप्लीट करने में। यहां पर अपन को a और b का अगर दिया हुआ है, b और c का साथ में दिया हुआ है, c और a का साथ में दिया हुआ है, तो अपन सबसे पहले तीनों को ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क। फिर अपन वन डे वर्क a b c का निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 90/96 और नंबर ऑफ डेज अपन को पता है वन डे वर्क का रिवर्स होता है तो वो क्या हो जाएगा 96/90। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से करके देखते हैं। यहां पर अपन को सबसे पहले दिया हुआ है a एंड b का वन डे वर्क यानी सॉरी a एंड b का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 4, इसी तरीके से b एंड c का दिया हुआ है अपने पास 12 और c एंड a का दिया हुआ है अपने पास 16। अब यहां पर नंबर टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 12 और 16 का एलसीएम वो आ जाएगा अपने पास 48। अगर a और b 4 डेज में 48 वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 48/4 यानी 12। इसी तरीके से b और c अगर 12 डेज में 48 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 48/12 यानी 4। अगर ये c और a एक दिन में 16 यूनिट कर रहे हैं तो 48 यूनिट कितने दिन में कर देंगे 3 यूनिट्स में। यहां पर अब अपन को क्या आ गया a प्लस b का वन डे वर्क, b प्लस c का वन डे वर्क, c प्लस a का वन डे वर्क, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा वही 19 यूनिट्स। ये क्या है a प्लस b प्लस सी ट्वाइस का वन डे वर्क है अपने पास 19, तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा अपने पास 19/2। तो टोटल यूनिट कितना अपने पास 48। तो अपने नंबर ऑफ डेज निकालना वो कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा अपने पास टोटल वर्क यानी 48 डिवाइडेड बाय वन डे वर्क, तो हो गया 19/2, तो ये आ गया अपने पास 96/19 डेज। ये क्या हो गया अपने पास
नंबर ऑफ डेज ए बी और सी के साथ में काउंट करने के। तो ये क्वेश्चन अपन ने देखा किस तरीके से दोनों मेथड से सोल्व किया अपन ने। ये मेथड काफी फास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मेथड से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, फिर ये मेथड से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे।